हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे आज बात कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज 3.2 की, प्रॉब्लम नंबर 1 की। तो प्रॉब्लम क्या है, देख लेते हैं। सर्कुलर बार 2.5 मीटर लॉन्ग टेपर्स यूनिफॉर्मली 25 mm डायमीटर टू 12 mm डायमीटर, यानी कि एक टेपर दे रखी है जो 25 mm डायमीटर से 12 mm डायमीटर तक कम हो रही है, जिसकी लेंथ 2.5 मीटर है। डिटरमाइन द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड अंडर द पुल लोड 30 kilonewtons, टेक ई फॉर द बार 200 GPa। तो सिंपल प्रॉब्लम है, आपको ऐसे फॉर्मूला बताया कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल क्या है आपका, 4PL ओवर पाई ई D1 D2। तो यहाँ पर सीधे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, 4 हो गया, उसके बाद आपको दिया है लोड, पी की वैल्यू दे रखी है उसने 30 kilonewton, तो 4 × 30 × 10^3 हो जाएगी। लेंथ की वैल्यू देखिए उसने 2.5 मीटर, तो 2500 हो जाएगा। उसके बाद पाई की वैल्यू लगानी है आपको, ई की वैल्यू उसने 200 GPa, 200 × 10^3 हो जाएगा। D1 की वैल्यू 25, D2 की वैल्यू 12। तो मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ इस प्रॉब्लम को। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर है 4 × 30 × 1000, क्योंकि 30 kilonewton दे रखा है। उसके बाद है 2500 डिवाइडेड बाई मुझे करना है सबसे पहले पाई, पाई के बाद मल्टीप्लाई करना है मुझे 200 × 1000, मल्टीप्लाई फिर है उसके बाद आपका 25 × 12। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.59154। तो इसको मैं देखूंगा तो ये आएगा मेरा 1.60, जो कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।